हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का रिड्यूस्ड सिलेबस, जो कि बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो बिना स्किप करें पूरा देखिए, क्योंकि साइंस की जो रिड्यूस सिलेबस है वो बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें रिड्यूस किए गए। तो उसमें से पहला है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यूज़ ऑफ ICT। यहाँ छोटे से बॉक्स में, येलो बॉक्स में लिखा है यूज़ ऑफ ICT, ये जो है आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया। और नीचे है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट सर इज़ैक न्यूटन। तो इज़ैक न्यूटन का जो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 2 पे, ये भी आपका रिड्यूस किया गया है सिलेबस में से। आगे इसी पेज पर, यानी कि पेज नंबर 2 पर, यहाँ पे आपको ट्राई दिस दिया गया है। तो ट्राई दिस जो है आपके सिलेबस में से पूरा कट है, और मतलब ये पूरा पेज ही समझ लो ये आपकी कट हो गया है, आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है। आगे सीधे आ जाइए पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे आपको दिया गया इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट योहन्नेस केपलर। तो इनका जो इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया, मतलब ये ग्रीन वाला बॉक्स आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 5 पे। तो इसमें आपको एक समान वर्तुलाकार गति से लेकर आसा न्यूटन ने निष्कर्ष काढ़ा, मतलब इस पेज पर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लेकर तो यहाँ तक बिटवीन द प्लैनेट एंड सन तक आपका रिड्यूस हो चुका है। आगे आते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आपको जो दिख रहा है ये येलो बॉक्स यूज योर ब्रेन पावर, तो ये भी आपका रिड्यूस हो चुका है, मतलब ये आपको सिलेबस में स्टडी में नहीं इन्वॉल्व होगा। आगे इसी के नीचे, यानी पेज नंबर 6 पर आपको दिया गया है यूज़ योर ब्रेन पावर यहाँ पे, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। और इसके नीचे जो डू यू नो का कॉलम है यहाँ पे, लो एंड हाई टाइड्स, ये भी आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। इसी के नीचे, यानी कि पेज नंबर 7 पे आपको ये पिंक कलर में लिखा हुआ जो दिख रहा है, पिंक कलर में लिखा गया बॉक्स, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई एंड लो टाइड्स फ्रॉम जियोग्राफी बुक्स, ये पूरा बॉक्स आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। इसके आगे आ जाइए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर यहाँ पे मास एंड वेट का जो ये है हेडिंग दी गई है यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ तक आपका जो पोर्शन है वो कट किया गया है। इसी के नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, ये ग्रीन कलर का बॉक्स, कली वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट, ये वाला यहाँ पे जो लिखा गया है, ये पूरा बॉक्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है, ये आपको स्टडी में नहीं आएगा। आगे पेज नंबर 10 पर डू यू नो का ये जो बॉक्स है यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, ग्रेविटेशनल वेव्स के अबाउट, तो ये भी आपका बॉक्स कट है सिलेबस में से, मतलब ये भी नहीं आएगा आपको। नीचे पेज नंबर 11 पे भी एक डू यू नो का बॉक्स है, वो भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। आगे सीधा आ जाइए पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर आपको और एक डू यू नो का बॉक्स है, वेटलेसनेस इन स्पेस, तो ये जो है बॉक्स है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। अब सीधा आ जाइए पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर यहाँ पे आपको दिया गया कैन यू रिकॉल, तो ये कैन यू रिकॉल के चारों पॉइंट्स आपके कट है। और इसी के नीचे आपको दिया गया है वी हैव लर्नड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। इसी के नीचे जो आपको डॉबेनियस ट्रायड दिया गया है, इसमें से सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल आपके कट है, मतलब यहाँ पे आपको जो दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं नीचे, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस है, सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल आपको स्टडी में इन्वॉल्व होगा। इसके आगे पेज नंबर 17 पर आपको और एक दिया गया डू यू नो का बॉक्स, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। और इसी के नीचे आपको दिया गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, मतलब ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये भी आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, मतलब ये भी आपको स्टडी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, आगे 18th पेज पर आपको इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का बॉक्स दिया गया है, डिमिट्री मेंडलीव का ये बॉक्स है, तो यहाँ पे ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। और इसके आगे पेज नंबर 19 पर यूज़ योर ब्रेन पावर का जो ये बॉक्स है, ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, ये भी आपको स्टडी में नहीं आएगा। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे आपको और एक दिया गया है
यूज योर ब्रेन पावर यहाँ पे, पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी ये भी बॉक्स आपका सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके रिड्यूस हो चुके हैं इसमें से। अब आ जाइए पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे ऊपर से 13th नंबर की लाइन, यानी कि ये कैन यू टेल के ये चारों क्वेश्चन आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे आपको डू यू नो, ये जो डू यू नो का बॉक्स है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। इसके आगे ये जो आपको दिख रहा है पीरियडिक टेबल, इसके नीचे जो भी लिखा गया है मतलब पीरियडिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सिलेबस इसमें इस पेज पर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिड्यूस हो चुका है। मतलब इस पेज पर से सिर्फ कैन यू टेल आपका कैंसिल है। इसके बाद पेज नंबर 24 पर आपको दिया गया है कैन यू रिकॉल, तो ये कैन यू रिकॉल जो है इसमें से भी तीनों के तीनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। आगे पहुंच जाइए पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 पर यहाँ पे इंटरनेट इज माय फ्रेंड जो बॉक्स दिया गया आपको वो, और उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया ये दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं, ये दोनों आपको स्टडी में नहीं आएंगे। इसके बाद डू यू नो का बॉक्स ये पेज नंबर 28 पर है, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है पेज नंबर 28 पर डू यू नो। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर ऊपर से फोर्थ लाइन जो है वो रिड्यूस किया गया, मतलब ये जो कैन यू टेल है ये कैन यू टेल आपके सिलेबस में से कम कर दिया गया है। इसके बाद कैन यू टेल के नीचे का पैराग्राफ इन अर्लियर स्टैंडर्ड से लेकर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर तक आपका रिड्यूस किया गया है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 30 पर। ये जो आपको पेज नंबर 30 पर बॉक्स दिख रहा है 3.1, ये जो डायग्राम है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस की गई है, ये आपको स्टडी में नहीं आएगी। इसके नीचे जो फाइंड आउट है यहाँ पे पेज नंबर 31 पर जो फाइंड आउट है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया, ये भी आपको स्टडी में नहीं आएगा। और इसके बाद पेज नंबर 33 पर आ जाइए। पेज नंबर 33 पर जो ट्राई दिस करके आपको बताया गया है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। और इसी के नीचे है डू यू नो, हाँ यहीं पे इसके नीचे जो डू यू नो आपको दिया गया है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। और यहाँ पे जो फाइंड आउट दिया गया है ये भी आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। और इसके बाद पेज नंबर 35 पर आपको दिख रहा होगा यूज़ योर ब्रेन पावर, तो यूज़ योर ब्रेन पावर के जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 36 पर। तो पेज नंबर 36 पर भी आपको दिख रहा होगा यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ पे भी तीन क्वेश्चन है आपको दिए गए, तो ये तीनों के तीनों भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ट्राई दिस, तो ये ट्राई दिस की जो एक्टिविटी है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस की गई है, ये भी आपको स्टडी में नहीं आएगी। इसके बाद पेज नंबर 37 पर कैन यू रिकॉल, ये जो कैन यू रिकॉल का जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। इसके बाद पेज नंबर 39 पर आ जाइए। यहाँ पे आपको ट्राई दिस की जो एक्टिविटी दिख रही है पूरी एक्टिविटी आपके सिलेबस में से कट की गई है। और इसके नीचे आपको जो यूज़ योर ब्रेन पावर दिया गया है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और इसी के नीचे आपको दिया गया है कैन यू टेल, तो ये कैन यू टेल के सिक्स क्वेश्चन आपके रिड्यूस हो चुके हैं, मतलब पेज नंबर 39 में ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब आते हैं पेज नंबर 41 पर। 41 पेज पर आपको जो ये डू यू नो का बॉक्स दिख रहा है ये पूरी तरह से कट हो चुका है, मतलब इसका एक भी पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 42 पर। यहाँ पर भी आपको डू यू नो का बॉक्स दिया गया है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और इसी के नीचे दिया गया है आपको यूज़ योर ब्रेन पावर, तो इसके भी दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 43 पर आपको बताया है कैन यू टेल, तो कैन यू टेल ये आपका पूरा सिलेबस में से कट किया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 43 पर ही सबसे नीचे आपको ये डू यू नो का बॉक्स मिलेगा छोटा सा, ये भी आपके सिलेबस में से कम कर दिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 44 पर सबसे नीचे की एक लाइन, मतलब ये फाइंड आउट की जो एक लाइन है फाइंड आउट पूरा मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 46 पर, तो ये प्रोजेक्ट भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 47 पर। पेज नंबर 47 पर आपको दिया गया है कैन यू रिकॉल, तो ये कैन यू रिकॉल के दोनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और कैन यू टेल के नीचे आपको दिया गया है वी हैव लर्नड इन अर्लियर स्टैंडर्ड, ये भी आपका जो पैराग्राफ है ये भी कट कर दिए गए हैं। और इसी के नीचे आपको दिया गया ऑब्जर्व एंड डिस्कस,
तो ये भी आपका कट हो ही चुका है। तो मतलब पेज नंबर 47 पर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 48 पर। 48 पर आपको दिया गया है थिंक अबाउट इट। तो ये थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। इसी के आगे पेज नंबर 49 पर आपको दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताया गया है, तो ये भी आपका सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। और इसी पेज पर 49 पर फाइंड आउट आपको दिया गया है सबसे नीचे, तो ये भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। और अब आ जाते हैं पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर यहाँ पे दिया गया आपको डू यू नो दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स MCB वगैरह, तो ये भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। इसी के आगे आपको ये दो एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ये दोनों एग्जांपल आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए, ये दोनों आपके सिलेबस में मतलब स्टडी में नहीं इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद 52 पेज नंबर पे आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, तो ये भी आपका सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। और इसी पेज पर आपको मिल जाएगा इसके नीचे ऑलवेज रिमेंबर, तो ये ऑलवेज रिमेंबर भी आपके सिलेबस में से कैंसिल कर दिया गया है। अब सीधा आ जाइए पेज नंबर 57 पर। यहाँ पर आपको ऊपर गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड तक आपका रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब ये जो दो पैराग्राफ है ये आपको स्टडी में नहीं होंगे। इसके आगे पेज नंबर 58 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट माइकल फैराडे, ये साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। अब आ जाइए पेज नंबर 59 पर। 59 पर आपको स्क्रीन पर जितना भी पोर्शन दिख रहा है, मतलब ऊपर सो फार वी हैव लर्न से लेकर तो नीचे यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी तक, यहाँ तक आपका पूरा कट कर दिया गया है। अब आ जाइए पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर यहाँ पे द डीसी डज नॉट चेंज से लेकर तो कॉल्ड एज डीसी जनरेटर तक, यहाँ तक आपका पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 62 पर आइए। पेज नंबर 62 पर आपको ट्राइडिस दिया गया है, ये ट्राइडिस के 7th के 7th मतलब पूरा ट्राइडिस ही आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है पूरा। अब आ जाइए पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 पर आपको इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का जो ये बॉक्स है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 पर आपको दिया गया है ICT, ये ICT का जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया प्रिपेयर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग वीडियोज और पिक्चर्स वगैरह का, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। अब पेज नंबर 70 और 71 पर आपको एग्जांपल नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा, ये 70 और 71 तक है, तो 71 तक ये आपका कट कर दिया गया है। आगे है पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पर आपको दिया गया एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। आगे पेज नंबर 75 पर ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें से राइट साइड के जो 3 कॉलम्स है ये 3 कॉलम्स कट कर दिए गए हैं। इसके बाद पेज नंबर 76 पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर आपको जितना पोर्शन दिख रहा है उतना पोर्शन आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और आते हैं पेज नंबर 77 पर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूज़ योर ब्रेन पावर, तो इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस कट है। इसके बाद आइए पेज नंबर 82 पर। 82 पर आपको यहाँ पे ट्राइडिस दिख रहा होगा, तो ये ट्राइडिस के 7th के 7th पूरे जो ये है पॉइंट्स वो 7th के 7 पॉइंट्स कट है। इसके बाद आइए पेज नंबर 87 पर। 87 पर आपको डू यू नो का बॉक्स दिख रहा होगा, डू यू नो का बॉक्स भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब आएंगे पेज नंबर 93 पर। पेज नंबर 93 पर आपको जितना पोर्शन में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे उतना पोर्शन आपका सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे आपका थिंक अबाउट इट से लेकर तो पूरा पेज यहाँ पर रिड्यूस है, मतलब जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना। आगे पेज नंबर 94 पर आपको दिख रहा होगा डू यू नो, और यहाँ पे डू यू नो का पूरा बॉक्स कट है, और नीचे दिख रहा होगा आपको ट्राइरिस, तो ट्राइरिस में से आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपर आयरन और लीड मैग्नीशियम जिंक एंड सोडियम के साथ ये एक्टिविटी नहीं करनी है, बाकी सब आपका वैसे का वैसा रहेगा। आगे पेज नंबर 95 पर आपको जितना पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना पोर्शन कट है।
96 पर आपको ट्राइजिस दिया गया है। ट्राइजिस की पूरी एक्टिविटी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 98 पर आपको और एक ट्राइजिस की एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें आपको पोटेशियम आयोडीन के साथ ये एक्टिविटी नहीं करनी है, बाकी सब आपका वैसा का वैसा रहेगा। आगे पेज नंबर 101 पर इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड भी पूरा बॉक्स कट है। आगे 102 पर आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स डू यू नो का, तो यहाँ पे डू यू नो भी आपका पूरा का पूरा कट है। इसके बाद पेज नंबर 105 पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहे 8.13, तो ये भी आपका सिलेबस में से कट कर दिया गया है डू यू नो। इसके बाद पेज नंबर 105 पे ही आपको कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करके बताया गया, ये भी आपके सिलेबस में से कट है। और पेज नंबर 108 पे आपको दिया गया है डू यू नो और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। इसके बाद पेज नंबर 110 पे कैन यू रिकॉल और नीचे कैन यू टेल, ये दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए पेज नंबर 112 पे आपको दिख रहा होगा डू यू नो टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मॉडल्स आर यूज्ड, तो यहाँ पे भी आपका ये पूरा रिड्यूस कर दिया गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा डू यू नो पेज नंबर 116 पर, तो ये डू यू नो का पूरा बॉक्स आपके सिलेबस में से कैंसिल कर दिया गया है। आगे आइए पेज नंबर 127 पे 127 पे आपको और एक डू यू नो का बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। और आगे पेज नंबर 128 पर साइंस बॉक्स, तो ये साइंस बॉक्स भी आपके सिलेबस में से कट है। इसके बाद आइए पेज नंबर 131, 32 और 33 पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्रो मॉलिक्यूल का ये जो टॉपिक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल का टॉपिक आपका पूरा कट है यहाँ से लेकर के तो पेज 113 पर यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। आगे देखते हैं, आगे 10th लेसन में पहुँचे हम पेज नंबर 135 पर, तो यहाँ पे आपको और एक बॉक्स मिलेगा डू यू नो का द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। आगे पेज नंबर 134 पर ही आपको दिया गया इसी के नीचे कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल, तो कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल ये दोनों आपके सिलेबस में से कट है, ये दोनों आपको स्टडी में नहीं आएंगे। इसके बाद आइए पेज नंबर 136 पर, पेज नंबर 136 पर यूज़ ऑफ आईसीटी, तो यूज़ ऑफ आईसीटी का भी बॉक्स आपके सिलेबस में से कट है, ये वाला बॉक्स लेफ्ट साइड का। तो इसके बाद आइए पेज नंबर 139 पर, 139 पर और एक डू यू नो का बॉक्स है, ये अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये वाला, तो ये वाला बॉक्स भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहीं पे पेज नंबर 139 पर ही यहाँ पे एग्जांपल 1 और 2, यहाँ पे एग्जांपल 1 और 2 पूरी तरह से रिड्यूस कर दिए हैं इन्होंने। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 141 पर आपको और एक दिख रहा होगा डू यू नो का बॉक्स, तो ये भी आपका पूरी तरह से सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है ये डू यू नो का बॉक्स। इसके बाद पेज नंबर 142 पे आपको तीन ये साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये तीनों के तीनों मतलब ये पूरा बॉक्स कट है। और इसके बाद लास्ट में है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, तो इनका भी इंट्रोडक्शन आपकी सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा साइंस पार्ट 1 का रिड्यूस सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के भी वीडियोस मिलते रहे मेरे। और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक मतलब ये पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।